कोई छोटा भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर बराबर की शक्ति से ये भारत माता को आगे ले जा रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। आज माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद ये टीम देश को आगे बढ़ाएगी। मेरी सोच भिन्न है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। इतना ही नहीं, केंद्र का मंत्रिपरिषद और राज्यों का मंत्रिपरिषद ये सब मिलकर एक बृहद टीम बने और केंद्र की ब्यूरोक्रेसी, राज्य की ब्यूरोक्रेसी ये सब मिलाकर के एक विशाल टीम के रूप में काम करें। अगर ये माहौल हम बनाएंगे तो आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन समस्याओं से हम अपने देश को इन शक्तियों के भरोसे, शक्तियों को जोड़ करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भाइयों बहनों, देश के लिए सुशासन एक बहुत अनिवार्य है। देश की समस्याओं की जड़ों में बैड गवर्नेंस है, कुशासन है। उससे निकलना है तो हमें गुड गवर्नेंस पर बल देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये गुड गवर्नेंस ये कोई अमीरों के लिए नहीं होता है। अमीर तो सरकारें खरीद सकते हैं, गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। अगर सुशासन है तो सरकारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो गरीब के बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। सुशासन नहीं होगा तो गरीब का बच्चा बेचारा वहीं रह जाएगा, और इसलिए सुशासन चाहिए। भाइयों बहनों, हम गुड गवर्नेंस को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तब इन दोनों बहुत सी बातें हम सुनते हैं, भैया हम तय करें। भाइयों, हम एक कई दिनों से कुछ बातें सुन रहे हैं। हमें तय करना है कि अब हमें एक घिसी पीटी टेप रिकॉर्डर की आवाज पे भरोसा करना है कि ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा करना है। टैप रिकॉर्ड की घिसी पीटी आवाज बहुत सुन चुके हैं। देश ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय करें कि देश को किसके भरोसे और किसके हाथ में सलामती के साथ देना है, उस पर निर्णय करें। भाइयों बहनों, सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। और करने के लिए दिल चाहिए। भाइयों बहनों, एक्ट 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 बहुत सुन चुके हैं। देश को एक्ट सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए डोल, चुनाव जीतने के लिए डोल, डोल डोल डोल, फिर भी सरकार डोल रही है। भाइयों बहनों, डोल अपनी जगह पर है, लेकिन नक्कर विकास के लिए डेवलपमेंट चाहिए, डिलीवरी चाहिए। और इसलिए गुड गवर्नेंस डोल से भी आगे बढ़ करके डेवलपमेंट और डिलीवरी के उन मूल मंत्र को हमें स्वीकार करना होगा, आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा कि
कि प्रधानमंत्री जी ने कोई कमेटी न बनाई हो, हर समस्या के लिए कमेटी, हर समस्या के लिए कमेटी। मेरे देशवासियों, देश कमेटियों के बोझ से दब रहा है। हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए, और देश के लिए कमिटमेंट चाहिए। भाइयों बहनों, इतना बड़ा विशाल देश हमारा, जब मैं भारत माता की ओर नजर देखता हूं, उस पुरातन जीवन की ओर देखता हूं, तो मुझे इस भारत की पूरी, हम जब सुनते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं, वो इंद्रधनुष के सात रंग, और उन सात रंगों की व्याख्या करें तो हमारी भारत मां को सदियों से वो चमकाते आए हैं। पहला रंग है इंद्रधनुष का, पहला रंग है भारत की सांस्कृतिक की महान विरासत, हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? हमारी नीतियां, हमारी योजना, भारत की इस महान व्यवस्था परिवार, उसका सशक्तिकरण कैसे करें? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का, हमारी कृषि, हमारे पशु, हमारा गांव। महात्मा गांधी भारत को गांवों का देश कहते थे। यह हमारे इंद्रधनुष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चमकीला अंग है। अगर हम इसे और चमकदार नहीं बनाते, कृषि हो, पशुपालन हो, हमारा गांव हो, गरीब हो, और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम जिस बात के लिए गर्व कर सकते हैं, वो हमारी तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो हमारी भारत की नारी, हमारी मातृशक्ति, त्याग और तपस्या की मूर्ति। आज हमने वहां कहां लाकर के छोड़ा है? इंद्रधनुष के रंग को आकर्षक, इंद्रधनुष को बनाना है तो हमारी माताओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। हमारे इस इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन, जंगल, जलवायु। यह हमारी विरासत है, हमारी अमानत है। अगर हमें भारत को आने वाली सदियों तक विकास की दौड़ में आगे रखना है तो हमारे इंद्रधनुष के इस चौथे रंग को भी उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सुरक्षित करना होगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक बलवत्तर बनाना। बहनों, इसका पांचवा रंग है जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा युवा धन, हमारी युवा शक्ति। हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है, 65% जनसंख्या 65 वर्ष से कम आयु की है, 35 से कम आयु की है। भाइयों बहनों, जिस देश के पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, इतनी हमारे पास नौजवानों की शक्ति हो, हम दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं? पूरे विश्व को
वर्कफोर्स के लिए आने वाले दिनों में गंभीर संकट आने वाला है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत का निर्माण करता, पूरे विश्व का निर्माण करने की ताकत रखता था, उसकी हमें चिंता करनी। भाइयों बहनों, हमारे देश का युवा कुछ बातें बड़ी चिंता फैला रही हैं। आधुनिकता के नाम पर पश्चिमी रंग के प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का यह रंग कहीं फीका तो नहीं पड़ रहा है? जब ये खबरें आती हैं ड्रग्स नारकोटिक्स कुछ इलाकों में हमारी युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है, भाइयों बहनों राजनीति से परे उठ करके हम सबका दायित्व बनता है, सारे देशवासियों का दायित्व बनता है कि अपने इन नौजवानों को ड्रग्स नारकोटिक्स में कदम रखने से पहले बचा ले, जीरो टॉलरेंस का माहौल बनाए। हम हमारी युवा पीढ़ी को रक्षा करनी पड़ेगी, हमें कानूनी व्यवस्था से हो, विदेशों से स्मगलिंग अगर होता है तो उसको रोकने की बात हो, हमने एक दायित्व को निभाना होगा और हमारे युवा धन की रक्षा करके उसी युवा धन की ताकत के भरोसे इस भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार करना होगा। भाइयों बहनों, इंद्रधनुष का सातवां रंग है वो भी हमारी बड़ी अनमोल विरासत है और वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। और जिस देश के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, डेमोक्रेटिक डिविडेंड हो, वो देश दुनिया के सामने कितनी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसलिए भाइयों, हमारा लोकतंत्र ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, विश्व के सामने आंख में आंख मिलाकर बताने की ताकत ये हमारा लोकतंत्र देश होना है। भाइयों बहनों, समय रहते हमने हमारे इस लोकतंत्र के रंग को और अधिक कैसे ताकतवर बनाना, उस पर हमने सोचना होगा। भाइयों बहनों, हमने हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से लेकर के आगे बढ़ा करके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर बल देने की जरूरत है। प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। वो एसेंस कैसे भर दिया जाए? अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति गौरव करके हम उसको कैसे करें। और इस इंद्रधनुष का सातवां रंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है ज्ञान। भारत विश्व मानव जात जब जब ज्ञान युग में रही है, भारत ने डंका बजाया है, हम ज्ञान के उपासक हैं। हर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या देती है? कहती है बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होना, हर मां के मुंह से ही निकलता है। यह ज्ञान हमारे इस इंद्रधनुष के सात रंग का महत्वपूर्ण रंग, उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं उसकी ओर हमने जाना है। भाइयों बहनों, इन सातों रंग की कीर्ति कैसे बढ़े, नई कल्पकता कैसे जुड़े, नए विचार कैसे उसके साथ आए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है, हम भी मानते हैं, बिना सोच के न कोई दल हो सकता है
न कोई आंदोलन हो सकता है। लेकिन कठिनाई ये है कि आज कांग्रेस के पास सोच है कि नहीं है, कैसी सोच है, कौन सी सोच है, वो तो एक बात है, लेकिन देश इतना जरूर जानता है कि कौरी कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ी हुई है। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इस सोच को समझने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। और देशवासी आज मुझे दूरदर्शन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, मेरे भारत के भाइयों बहनों, कि आप मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिए। उनकी सोच है, भारत मधुमक्खी का छाता है। यह कहा था उन्होंने, हनी भी है। उनकी सोच है, भारत मधुमक्खी का छाता है। हमारी सोच है, भारत हमारी माता है। उनकी सोच है, गरीबी ये मन की अवस्था है। हमारी सोच है, गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। उनकी सोच है, जब तक हम गरीब की बात नहीं करते मजा नहीं आता। ये उनके शब्द बोल रहा हूं, एक शब्द मेरा नहीं है। वे कहते हैं, हम जब तक गरीब की बात नहीं करें मजा नहीं आता। और हम जब गरीब की बात को सुने, उसे याद करें, तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं आती। ये दो सोच में फर्क है। उनकी सोच है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। हमारी सोच है, पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं और मजदूरों के पसीने से पलते हैं। ये हमारी सोच है। उनकी सोच है, समाज तोड़ो राज करो। हमारी सोच है, समाज को जोड़ो विकास करो। ये फर्क है। उनकी सोच है, वंशवाद। हमारी सोच है, राष्ट्रवाद। उनकी सोच है, राजनीति सब कुछ है। हमारी सोच है, राष्ट्र नीति सब कुछ है। उनकी सोच है, सत्ता कैसे बचाएं। हमारी सोच है, देश कैसे बचाएं। अभी अभी उन्होंने कहा कि चुनाव में उसको टिकट दी जाएगी जिनके दिल में कांग्रेस है। उनकी सोच है, देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है। हमारी सोच है, टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। ये सोच में फर्क है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब 2000 चुनाव का वक्त हमारे सामने है, हम चुनाव के मैदान में खड़े हैं, तब मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 साल आपने शासकों को चुना है, 60 साल आपने शासक पसंद किए हैं, 60 साल आपने शासकों को बागडोर दी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है। और लोकतंत्र की मांग यही है कि देश की सेवा करने का हर किसी को अवसर मिले। भाइयों बहनों, आज जब हम आने वाले भविष्य का एक खाका खींच रहे हैं, तब देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है।
गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। माँ बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पी के सोते हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या महंगाई को रोका नहीं जा सकता है? क्या कोई उपाय नहीं है? भाइयों बहनों, आज देश की स्थिति क्या है? हमारे पास कोई रियल टाइम डाटा ही नहीं होता है। खेती की सीजन आई, कितनी फसल कहां कितनी बोई जा रही है, कोई रियल टाइम डाटा नहीं। कौन सा अन्न कौन सी चीज कितनी पैदावार हुई, रियल टाइम डाटा नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि देश के कृषक जो खेती के क्षेत्र में काम करते हैं, हम एक रियल टाइम डाटा का टेक्नोलॉजी के द्वारा एक मैकेनिज्म विकसित करेंगे और देश को समय रहते पता चलेगा कि इस बार ये फसल इतनी बोई गई है, और फसल होने पर पता चलेगा कि इस वर्ष इतनी फसल पैदावार हुई है, इतनी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता का भी रियल टाइम डाटा होना चाहिए और हर भूभाग का होना चाहिए, और हम उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि अगर देश की इतनी आवश्यकता है, इतनी फसल है, तो समय रहते क्या इंपोर्ट करना, क्या एक्सपोर्ट करना, उसका फैसला कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, एक तरफ देश में जरूरत हो उसी को दूसरे रास्ते से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, देश भूखा मरता है, और फिर उसी चीज को फिर इंपोर्ट किया जाता है, पता नहीं कौन सा कारोबार होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा आग्रह है और हमें विश्वास है कि सामान्य व्यक्ति को महंगाई का मार झेलना न पड़े, किसानों का एक्सप्लॉइटेशन न हो, और इसलिए एक प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड की रचना होनी चाहिए देश में, और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के द्वारा सरकार के द्वारा इंटरवेंट करके गरीब की थाली को हमेशा सलामत रखा जाए, इसकी चिंता किया जाए। इसी प्रकार से समय की मांग है, देश में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा किया जाए। इतना ही नहीं, ब्लैक मार्केटियर्स के लिए स्पेशल अदालतें बनाई जाए और समय सीमा के अंदर ये ब्लैक मार्केटियर्स को सजा दे करके हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जाए। अगर हम इस प्रकार के एक के बाद एक कदम उठाएं, भाइयों बहनों, अगर अटल जी की सरकार महंगाई रोक सकती है, अगर मोरारजी भाई देसाई की सरकार महंगाई रोक सकती है, तो 2014 में भाजपा की सरकार भी महंगाई रोक सकती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, बेरोजगारी, जिस देश के पास इतना बड़ा युवा धन हो लेकिन रोजगार के लिए तड़पता हो, इसके लिए भाइयों बहनों, हमें सेंटर फॉर एक्सलेंस उसको बल देने की आवश्यकता है। हमने स्किल डेवलपमेंट पर बल देने की आवश्यकता है, और स्किल डेवलपमेंट भी नीड बेस्ड कैसे किया जाए। अगर यहां केमिकल की फैक्ट्री लग रही है तो उस केमिकल की फैक्ट्री में काम आने वाला स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लग रही है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगने से पहले उसके अनुकूल स्किल डेवलपमेंट वाले नौजवान कैसे तैयार हो, अगर इसको हम ढंग से करें भाइयों बहनों, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई अच्छी तरह लड़ सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का कोई प्लानिंग नहीं है। आज अगर देश में पूछा जाए कि बताइए 2020 में विज्ञान के कितने टीचरों की जरूरत पड़ेगी, देश नहीं बता पा रहा है। 2020 में कितनी नर्सिस की जरूरत पड़ेगी, देश बता नहीं पा रहा है। अगर हम ह्यूमन पावर स्ट्रेंथ का अभी से अगर हम प्लानिंग करें और उसको कब और उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करें, तो जैसे ही वो व्यक्ति तैयार होगा उसको जरूरत के अनुसार से रोजगार मिल जाएगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का युवा धन, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, उसके हाथ में हुनर देना चाहिए, कार्य का अवसर देना चाहिए, भारत के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। इससे बड़ी कोई पूंजी हमारे पास हो सकती नहीं है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय अडवाणी जी ने
ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग छेड़ा है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कमिटमेंट है कि अडवाणी जी ने जो सपना संजोया है इसे हम पूरा करके रखेंगे।